मैं हूँ अमीना और आप सबको अपने चैनल देसी चटखारे में वेलकम करती हूँ। आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आज मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ रोल्स। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम या 2 बड़े आलू जिन्हें बॉईल करके छिलका उतार के इन्हें मैश कर लिया है। बोनलेस 150 ग्राम चिकन जिसे नमक 2 से 3 अदद साबुत लहसुन के जवे एक छोटा अदरक का पीस डालकर बॉईल कर लिया है और इसे इस तरह से श्रेडेड कर लिया है। 1 अदद अंडा जिसे फेंट लिया है। कॉर्नफ्लावर 1.5 टेबल स्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका, मैंने यहाँ 3/4 टीस्पून नमक इस्तेमाल किया है। 3 अदद डबल रोटी के स्लाइस जिन्हें पीस कर इनका ब्रेड क्रम्स बना लिया है। मोजरेला चीज 1/2 कप। मैश किए हुए आलू में श्रेडेड की हुई चिकन, कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्च, फिटा हुआ अंडा शामिल कर देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ख्याल रहे कि आलू के कोई लम्स वगैरह ना हो। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हाथ को गीला करेंगे और छोटे छोटे से बॉल इस तरह से बना लेंगे। अब हल्का सा बॉल को प्रेस करके दरमियान में जगह बनाएंगे और इसमें श्रेडेड किया हुआ मोजरेला चीज़ रख देंगे। चीज़ को अब कवर करके इस तरह से इसे रोल की शक्ल दे देंगे। हाथ से हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और इसे बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे। रोल बनकर तैयार है। इस तरह से तमाम रोल्स तैयार कर लेंगे। बने हुए रोल्स को इस तरह से ब्रेड क्रम्स में रोल करते हुए कोट कर लेंगे। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रहने दें। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है, फ्लेम को हाई रखना है। एक छोटा सा पीस बॉल का डालकर देख लेंगे कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म है। बॉल के चारों तरफ छोटे छोटे से बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑयल बिल्कुल सही तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें रोल डाल देंगे। एक एक रोल उठाकर इसे ऑयल में डालते जाएंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा रोल्स ऑयल में नहीं डालने हैं वरना ये टूट जाएंगे। फ्लेम को मीडियम हाई रखना है इसलिए कि ये इसमें चिकन भी बॉयल्ड है और आलू भी बॉयल्ड है, इसलिए हमें इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है। लो फ्लेम पर अगर इन्हें फ्राई किया तो ये सॉगी हो जाते हैं। कुछ देर ऑयल में इसी तरह से रोल को फ्राई होने देंगे। इसके बाद इन्हें ऑयल में ही रोल करते हुए चारों तरफ से यकसा तौर पर इन्हें फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। रोज़ का कलर लाइट गोल्डन होने लगा है। हम इसे इसी तरह से रोल करते हुए चारों तरफ से यकसा कलर दे देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। चिकन चीज़ रोल्स तैयार हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ तरह की चटनियों के साथ सर्व करें। मैंने मुख्तलिफ तरह की चटनियों के 2 वीडियोस बनाई हैं जिनका लिंक आपको मिल जाएगा। मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें।